नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पिछली क्लास में अपन जिस चैप्टर की बात कर रहे थे, वो चैप्टर था आप लोगों का रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में अपन लोगों ने थोड़ी भी जो चीज़ें थी उनको जाना कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो इसकी परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ी थी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। तो जो शब्द इंपॉर्टेंट थे वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपका अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारक, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। अपन कोशिश करेंगे कि इस क्लास में इन चीज़ों को कवर किया जाए। तो सर्वप्रथम जो चीज़ आप लोगों के सामने है वो है आप लोगों का अभिक्रिया का वेग। क्या है? अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया के वेग को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आप लोगों को कहा था कोई भी अभिक्रिया जो होती है जनरली उसमें रिएक्टेंट क्या बनाता है, आप लोगों का प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है? तो देखिएगा, इससे पिछली वाली क्लास में एक छोटी सी टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, जिसकी जनरल जो डेफिनेशन थी वो मैंने ये बताई थी कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता एक क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्लियर है? तो देखिए क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया के वेग से अपना क्या अभिप्राय है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो उसकी परिभाषा आप लोग सुनने से पहले इधर देखिए, एक चीज क्या होगा आप लोगों का, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, क्रियाकारक होगा, और वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में, प्रेशर की प्रेजेंस में, या किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और एक चीज देखिए आप लोगों से मैं कहूँ तो ये रिएक्टेंट है, शुरू में आप लोगों का जब रहेगा तो रिएक्टेंट पूरी तरीके से रहेगा, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन थोड़े समय बाद में अपनी जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी, धीरे धीरे ये जो रिएक्टेंट है, धीरे धीरे जो रिएक्टेंट है वो समय के साथ, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, ये प्रोडक्ट में बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया के वेग से क्या अभिप्राय है कि रिएक्टेंट जो है वो लगातार क्या होता है, कम होता है, जबकि प्रोडक्ट लगातार क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइएगा। वैसे अपन बात करें तो दो प्रकार की रिएक्शन होगी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन दोनों में क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन होता है। अपने को क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। तो इधर देखिए रिएक्टेंट क्या बना रहा है आप लोगों का, प्रोडक्ट बना रहा है, और ये अचानक से नहीं बना रहा है। देखिए एक चीज मैंने कही थी कि आप लोगों का जो रिएक्टेंट है वो तुरंत प्रोडक्ट बना दे, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन। और जनरली केमिकल काइनेटिक्स जो है, रासायनिक बल गति की आपका जो चैप्टर है वो जनरली आप लोगों का मध्यवर्ती वेग अभिक्रिया की बात करता है, क्योंकि अगर आप लोगों को तीव्र अभिक्रिया की बात करनी है तो मैंने चार मेथड आप लोगों को बता रखे थे, फ्लश फोटोलाइसिस, एनएमआर मेथड, इंडक्शन मेथड और रिलैक्सेशन मेथड। ये चार विधियां जो अपन फास्ट रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अभी अपन एक मध्यवर्ती वेग अभिक्रिया की बात करेंगे जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगता है। अपन बात करें एक कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की, किसी भी अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, जिसको संपन्न होने में मान लीजिए 5 से 10 मिनट का समय लगता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में रिएक्टेंट कंप्लीट रहेगा, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी ये रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, और प्रोडक्ट के मान में लगातार क्या आएगी, वृद्धि आएगी। और यहाँ पे कम और ज्यादा जो हो रहा है उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो लगातार जो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है वो किसकी हो रही है, रिएक्टेंट की, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपने पास में एक परिभाषा आएगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन की परिभाषा बनेगी। क्या बनेगी, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है अभिकारक एवं उत्पाद
पद की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन की दर है उसे अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। क्लियर है? तो अपने पास में जो परिभाषाएं निकल करके आई अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभिक्रिया के वेग की अपन लोग बात करें अथवा रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अपनी परिभाषा ये बनेगी कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। आई बात समझ में? अपनी परिभाषा बन गई द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो परिभाषा आप लोग आराम से याद रख सकते हो। तो अपन लोगों ने कहा अभिकारक अथवा अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये अपनी परिभाषा बनी कि अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। देखिए जनरली अगर अपन बात करें तो अपन ये बात कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो अपन बात करें किस में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। और सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, रिएक्टेंट लगातार क्या होगा, कम होगा, प्रोडक्ट लगातार क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये चीजें किसके सापेक्ष चल रही हैं, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये जो चीज है वो क्या है आप लोगों का, एक तरीके से अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे इस चीज को अपन लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? आगे देखिए इसी चीज को अपन दूसरे शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं। परिभाषा नोट कर ली होगी आप लोगों ने। आगे देखिए अपन ने ये कहा कि अभिक्रिया का वेग, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आप लोगों का, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। क्लियर है? दूसरे शब्दों में अपन क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और किसके सापेक्ष परिवर्तन, परिवर्तन में लगा समय, मतलब समय के सापेक्ष। तो देखिए आगे ये क्या बनेगा आप लोगों का, रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात बताइए ऊपर अपना जो लिखा हुआ है वो क्या है आप लोगों का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप लोग किससे डिनोट करते हो, सी से। किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, सी से। और होने वाला परिवर्तन क्या आ जाएगा, डी। तो ऊपर जो चीज है वो किससे डिनोट हो जाएगी, डी सी से। और टाइम को अपन किससे डिनोट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में, स्मॉल टी से। और परिवर्तन में लगा समय क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी। और इससे पहले एक आप लोगों का सिंबल आएगा प्लस माइनस, आएगा समझ में, क्या आएगा, प्लस माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके लिए अपने पास में एक फार्मूला आता है,
वो आता है आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी। दैट मींस डीसी का क्या मतलब है, डीसी का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और डीटी का मतलब क्या है कि सांद्रता परिवर्तन में लगा समय। देखिए यहां पे जो प्लस जो सिंबल है, प्लस जो साइन है, वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है। प्लस का क्या मतलब होता है, इंक्रीज होना। माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होती है, कम होती है, वही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो प्लस साइन है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा, उत्पाद की सांद्रता को। तो प्लस जो सिंबल है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता। वहीं अगर अपन बात करें माइनस वाले सिंबल की, तो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, अभिकारक की सांद्रता। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज देखिए आगे अगर अपन बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर अपन लोग बात करेंगे, तो ये तो आप लोगों का प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी है, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज को बताता है। लेकिन ये जो सी है वो क्या है आप लोगों का, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सांद्रता। और सांद्रता की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित, ये जनरल डेफिनेशन है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्वेल्थ क्लास में सॉल्यूशन का चैप्टर, और बीएससी फाइनल ईयर में आप लोग फिर पढ़ोगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत प्रकार की होती है, जैसा कि पिछली क्लास में अपन लोगों ने वर्बली बोला भी था, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सारी चीजें, मोलेलिटी वगैरह सब होती हैं। यहां पे केवल मोलेरिटी को आप लोग एक चीज याद रखिए, केवल मोलेरिटी को, जनरल डेफिनेशन कि एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, मोलों की संख्या, और किस में, एक लीटर में। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का, लीटर। और टाइम को किस में अपन डिनोट करेंगे, टाइम को अपन एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, केवल टाइम मान लेते हैं। तो आगे देखिए अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें, तो ये ऊपर क्या है आप लोगों का, मोल, और ये लीटर ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, लीटर इनवर्स में आ जाएगा। और टाइम ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, टाइम भी किस में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो इकाई आती है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। आई बात समझ में। तो ये अपन लोगों ने थोड़ी सी बात की किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आई बात समझ में। अब देखिए इस चीज को एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, शुरुआती चीजें हैं जिनको अपन लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे क्लास में जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, क्लासें बढ़ती जाएंगी, उसके बाद में स्पीड और चीजों की जो जटिलताएं हैं वो लगातार आप लोगों की बढ़ती जाएंगी। तो अभी से अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीजें आसान होती जाएंगी, और अगर अपन एक साथ सब चीजों को पढ़ते हैं तो फिर आगे मुश्किल आएगी। क्लियर है? तो अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो उसकी जनरल परिभाषा आप लोग जानते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन को अपन किससे डिनोट करते हैं, सी से। टाइम को किससे करते हैं, टी। तो सी डी का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन में क्या, चेंज। यहां डी का मतलब क्या, किस में चेंज, टाइम में चेंज। प्लस किसका सिंबल है, रिएक्टेंट, सॉरी प्लस किसका सिंबल है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। वही माइनस किसका सिंबल है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि अपने को पता है प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। और लगातार कॉन्सेंट्रेशन किसकी इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट की, जबकि डिक्रीज किसकी होती है, माइनस सिंबल है वो किसके लिए आएगा, रिएक्टेंट के लिए, मीन्स किसके लिए, अभिकारक अथवा क्रियाकारक के लिए। फिर अगर अपन इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन की जनरल यूनिट, मोलेरिटी की जो डेफिनेशन है उसका जो यूनिट होता है वो मोल अपॉन क्या होता है, लीटर। और लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम एक बार फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की जो इकाई आएगी वो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आएगी। आई बात समझ में, क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा जो आती है आप लोगों की, वो क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है? अब देखिए ये तो अपनी हुई एक नॉर्मल रिएक्शंस की। अगर आप लोग बात करो गैसियस रिएक्शंस की, एक
नोट करने वाला पॉइंट बता रहा हूं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, गैसीय रिएक्शन के लिए अगर आप लोगों से पूछी जाए कि उसके लिए अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या आएगी, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग की इकाई क्या आएगी, तो आप लोग सारे स्टूडेंटों को ये पता होना चाहिए कि गैसीय अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा किसके रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेशर के रूप में, किसके रूप में, पी के रूप में, दाब के रूप में, प्रेशर के रूप में। तो वहां कॉन्सेंट्रेशन के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों का, प्रेशर, दाब, और दाब की इकाई क्या होती है आप लोगों का, एटीएम, क्या होती है, एटीएम, और एटीएम में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, टाइम के सापेक्ष। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, गैसीय अभिक्रिया की अगर आप लोग बात करोगे तो उसकी इकाई जो आएगी, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो क्या आएगी आप लोगों का, एटमोस्फेयर टाइम इनवर्स, वो क्या आएगी, एटमोस्फेयर टाइम इनवर्स। ये कई बार एग्जाम में आप लोगों की पूछी जाती है, क्लियर है, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ आप लोगों का अभिक्रिया का वेग। अब देखिए साइंस में अपन एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ये तो अपन लोगों ने पढ़ा इस तरीके से, पहले एक जनरल परिभाषा दी, फिर उसका एक फार्मूला बनाया, फिर इसकी एक यूनिट बनाई, अब अपन इसको क्या बनाते हैं, इसका आरेख बनाते हैं। वो आरेख किस तरीके से बनेगा तो देखिए आप लोग, ये सब चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से ये कहूं कि कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। तो इधर देखिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अगर इसको अपन आरेख में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से आएगा, आप लोग परिभाषा से जान गए, इधर जो टर्म मैं आप लोगों का लिख रहा हूं वो है सांद्रता, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी चीज आएगी आप लोगों का, कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इधर क्या आ जाएगा आप लोगों का, समय, समय को किससे डिनोट कर दिया अपन लोगों ने, टाइम से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया अपन लोगों ने, टाइम से। तो आप लोगों को अब पता लग गया होगा कि कॉन्सेंट्रेशन तो दो प्रकार की अगर अपन बात करें तो लगातार एक तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इधर से कम होगी, होगी कि नहीं होगी, लगातार क्या होगी, कम, और दूसरी तरफ ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभिक्रिया से आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो किसकी होती है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अपन उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से, और जो कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रही है वो किसकी है, आर, आर मीन्स क्या हो गया आप लोगों का, अभिकारक, क्या हो गया आप लोगों का, अभिकारक, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये सब हुआ आप लोगों का अभिक्रिया के वेग के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्लियर है। तो ये हुआ आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। तो अपनी एक पूरी हेडिंग जो थी वो थी रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, तो उसमें से एक जो चीज आप लोगों की क्लियर हुई वो क्या है आप लोगों का, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए चीजें बहुत आसान है आप लोगों को, बहुत ही, अभी ये लग रहा होगा कि सर बहुत ही स्लो तरीके से, या ये मानिए कि बहुत ही सिंपल जो चीजें हैं, जो बेस है उसको लेकर के पढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को शुरुआत में धीरे धीरे स्टेप से पढ़ो, ताकि आगे जाने के बाद में मैं अभिक्रिया के वेग को फिर कभी नहीं दोहराऊंगा, अभिक्रिया का वेग सीधा बोलूंगा मैं रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। फिर आप लोग वहां मत पूछिए कि सर ये आर ओ आर क्या है, आप लोग अभी इसको बार बार मैं बता रहा हूं याद रख लीजिएगा, अभिक्रिया का वेग है ये, और फिर मैं बार बार बोलूंगा अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा हमेशा और हमेशा मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स होती है। लेकिन बच्चे आगे जाकर के फिर कंफ्यूज होंगे कि सर ये ऐसे कैसे हुआ, तो उसकी वजह क्या रहेगी, वजह यही रहती है कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को याद नहीं रखते, उन्हें ये लगता है कि ये चीजें तो बड़ी आसान है, आगे इनको आराम से देख लेंगे। नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा, फिर कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। अब इस हेडिंग का दूसरा पोर्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग,
इनकी अपन लोग बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरा पूछा जाता है 4.5 नंबर का, कि अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई देते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन एंड गिव इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, ये कंप्लीट आप लोगों से पूछा जाता है। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग 4.5 नंबर का, तो 1.5-2 नंबर का मैटर तो क्लियर हुआ। अब अपन बचे हुए 2 नंबर की बात और कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोग ROR की फुल फॉर्म मेरे से मत पूछिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग 6-7 फैक्टर अफेक्टिंग है, उनकी अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहले अभिकारक की सांद्रता, सबसे पहले क्या है अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नंबर 2 क्या हो जाएगा अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जाता है, टेम्परेचर ताप। नंबर 4 है दाब। नंबर 5 है आयतन, ताप दाब आयतन। नंबर 6 है आप लोगों का pH। नंबर 7 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट 8 में अपन बात कर लेंगे कैटलिस्ट की उत्प्रेरक, ये तो अपना बड़ा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है थ्योरिटिकल के हिसाब से, उत्प्रेरक कैटलिस्ट। इसके अलावा कोई और रहेगा तो उसकी भी अपन लोग आगे बात करेंगे। अभी अपन ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, पहला फैक्टर अफेक्टिंग है वो है अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देन सेकंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। उसके बाद में क्या है ताप, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे टेम्परेचर, क्या बोलेंगे टेम्परेचर। उसके बाद में एक क्या है दाब, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे प्रेशर। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 5 फैक्टर है वॉल्यूम आयतन, देन pH, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता। 8वां है कैटलिस्ट और 9वां एक और आप लोगों का आ गया सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग इसको अलग से आगे फिर नोट कर लीजिएगा, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इनके अलावा 1-2 फैक्टर आप लोगों को और भी देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे ये चीज़ें आप लोगों की आती जाएंगी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे अब जो रहेंगी वो थोड़ी सी थ्योरिटिकल रूप में रहेंगी, और ये चीज़ें आप लोगों ने केमिस्ट्री में साइंस में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी हैं, चाहे 11th क्लास हो या 12th क्लास हो। तो अपन बहुत ही सामान्य एग्जाम्पल से इन सब चीज़ों को, सब फैक्टर्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए इन चीज़ों को आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है ये तो मैं अगली क्लास में बात करूंगा। आज ये किस किस तरीके से अभिक्रिया के वेग है उसको प्रभावित करते हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर 1 है वो कौन सा है आप लोगों का अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का तात्पर्य क्या होता है, कि रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट होना प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट के बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो सामान्यतया ये कहा जाता है जनरली कि किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारक अथवा अभिकारक की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा अधिक होगा, यानी कि दोनों में जो रिलेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है समानुपाती। सो वी कैन से दैट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज। ये एक सामान्य बात आप लोग बोल सकते हो कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि
देखी जाती है। ये आप लोग आराम से लिख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो ये एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट होने में अपनी तीन तीन क्लासें लग जाएगी, तो अपना टाइम जाया नहीं हो। जो चीज़ें मानक होंगी, स्टैंडर्ड होंगी, उनको मैं लिख दूंगा बोर्ड पे। बाकी ये जो सामान्य जो चीज़ें हैं, इनको आप लोग कोशिश करें कि अपन लोग खुद जो सर ने बोला है मुँह से, उन चीज़ों को अपन अपनी नोटबुक और उसमें ऐड कर लें। तो सर्वप्रथम आप लोग क्या लिख सकते हो, इतने फैक्टर लिखने के बाद में ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इन सब का एक साथ ले लीजिएगा। फिर नंबर वन अपनी हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, अभिकारक की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। एरो लगा करके आप लोगों को जो लिखना है वो ये लिखना है कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि देखी जाती है। अर्थात मैं आप लोगों का लिख रहा हूँ, अर्थात अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करोगे तो उसको अगर आप लोग इंक्रीज करोगे तो अभिक्रिया के वेग में क्या देखी जाएगी, वृद्धि देखी जाएगी। तो एक ही शब्द में अपन लोग इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीजेज, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेज। और अगर इसका उल्टा अगर अपन कहें, एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखना हो, क्योंकि 4.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक ऐसा नहीं है कि आप लोग 5-7 लाइनें लिख दो तो आपको 4.5 मिल जाएंगे। फिर एग्जाम के हिसाब से आपको अपनी शब्द सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका अपोजिट अपन क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डिक्रीजेज। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी, वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में भी क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी। ये आपका पहला फैक्टर मेरे हिसाब से बहुत आसान है और आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, अभिकारक की प्रकृति। नंबर दो जो फैक्टर है वो क्या है आप लोगों का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। इस फैक्टर को समझने से पहले एक बार फिर अपन बात करें तो अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। और अभिक्रियाओं में क्या होता है, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बंध को अगर आप लोग क्लीवेज करोगे, उसको अगर आप लोग ब्रेक करोगे, अगर उसको तोड़ोगे तो बताइए एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी आपको मिलेगी, नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग अगर किसी बॉन्ड को तोड़ते हो, बिकॉज बॉन्ड क्लीवेज ऑलवेज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, बंध का टूटना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है, वहीं बंध का बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बंध का टूटना ऊष्मा शोषी होता है और बंध का बनना ऊष्मा क्षेपी होता है। ये दो बातें मैंने आप लोगों को बताई। पहली बात कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच का बॉन्ड टूटता है और उत्पाद में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का टूटना ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, बॉन्ड का बनना ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो एक बात आप लोग खुद ही बता दीजिए कि अगर कोई बंध जितना ज्यादा दुर्बल होगा, उसको बताइए आसानी से तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, तोड़ पाएंगे। और जितना आसानी से तोड़ पाएंगे उतनी आसानी से वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अभिकारक की प्रकृति पे अभिक्रिया का वेग किस तरीके से डिपेंड करता है, अपने पास में समय कम है, ये थ्योरेटिकल मैटर है, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली आप लोग मेरे को कॉर्पोरेट करोगे तो ऐसी जगह रहेगी नहीं जहां अपने समझ में नहीं आएगा। तो अगर अपन बात करें अभिकारक की प्रकृति की, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट की अगर आप लोग बात करोगे तो आप लोग बोल सकते हो कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि बंध का टूटना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, वहीं बंध का बनना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो अतः है किसी अभिकारक के मध्य बंध जितना दुर्बल होगा, उस अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, और अभिकारक अणुओं के मध्य बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपन सीधे साधे शब्दों में कह सकते हैं कि अभिकारकों के मध्य बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा,
कम होगा। तो दूसरे में आप लोग एरो लगा करके क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं। पुराना बंध जितना दुर्बल होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, इसके विपरीत बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। तो ये जो सेकंड फैक्टर है आप लोगों का वो भी क्या हुआ, आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब जो थर्ड फैक्टर है आप लोगों का वो क्या है, टेम्परेचर। थर्ड जो फैक्टर अपने पास में क्या है, टेम्परेचर। देखिए यहां से एग्जाम में कई बार एक डेढ़ नंबर का, अगर ये साढ़े चार नंबर का नहीं पूछा जाता है तो कई बार एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन निकालता है डेढ़ या दो नंबर का, ताप गुणांक के नाम से, टेम्परेचर कोफिशियंट के नाम से। ये थोड़ा सा थ्योरिटिकल मैटर है आप लोगों का, इसमें समय भी लगता है, इसको लिखे तो बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर वर्बली में आपको समझाता भी हूं तो यार एक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं अपन लोग, यानी पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो अगली क्लास में अपन जिस चीज की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, और ये जो बचे हुए फैक्टर हैं सीधे अपन लोग इस पे आएंगे। तो अगली क्लास को अगर आप लोग ले लेते हो तो अपना एक कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से पूरा तैयार हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। तो अगली क्लास में आप लोग चीजों को कंटिन्यू रखिएगा, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।